संबंध में आप क्या कहना? नहीं, किसान आंदोलन जहाँ तक कह दिया कि हम जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हम इसकी मान्यता करेंगे। मैं खासतौर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, तो भारत सरकार ने कह दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, कृषि मंत्री जी ने कह दिया है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेंगे। पहले भी खरीदते थे, अभी भी खरीदेंगे, गेहूँ भी खरीदेंगे, चावल भी खरीदेंगे, दालें भी खरीदेंगे, मक्का भी खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे। स्वाभाविक रूप से अब ये कुछ ऐसे किसान जो वास्तव में किसान हैं या नहीं भगवान जाने, मुझे पता नहीं, बाहर देश के बाहर जिनके कमाई के जरिया हैं, कनाडा, लंदन, अमेरिका, वो लोग हैं। अब हमारे यहाँ किसान तो अभी पानी भरा रहा है ठंड में, हैं दिन में और रात में कड़कड़ाती ठंड में, उसको कहाँ ये सब पड़ी है कि काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम कहाँ वहाँ पर हल, उसके यहाँ तो मूँगफली भी खाने को नहीं है बेचारे के यहाँ। कुल मिला के कुछ इनके नए लोग जो है जो उनको प्रेरित कर रहे हैं, कुछ विरोधी राजनीतिक दल जो वोट से सफल नहीं हो पाए, वो दबाव डाल के इनके 150,000 लोगों का दबाव डाल के इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि संसद जो फैसला करती है, संसद फैसला करती है, 135 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि संस्था है, और संसद का फैसला कैसे ऐसे बदला जा सकता है जुलूस निकाल के? यदि हो तो फिर कोई काम करवाना हो तो हम 150,000 लोग भोपाल में इकट्ठे करते हैं, विधानसभा का फैसला बदलेगा, लोकसभा का बदलेगा, नहीं बदलता, लोकतंत्र है। लोकतंत्र यदि वास्तव में हमने स्वीकार किया है, लोकतंत्र रहना चाहिए, फिर भीड़ तंत्र उस पर कब्जा करे, ये भी ठीक नहीं है।